बात करते हैं लखनऊ की, जहां पर ट्रांसपोर्ट नगर में बिल्डिंग गिरने की वजह से अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित 3 मंजिला हरमिलाप टावर के गिरने के बाद कल शाम से ही यहां पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अभी तक 28 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और तमाम लोगों की स्थिति जो है वो गंभीर बनी हुई है, ये जानकारी सामने आ रही है। तस्वीरें आपके सामने, मलबे का ढेर, यहाँ पर SDRF की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई, कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया जाए। तो लखनऊ में इमारत हादसे से जुड़ी इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मौत का आंकड़ा अब 8 हो गया है, साथ ही साथ 28 लोगों को जो घायल थे उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से तमाम लोगों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। रेस्क्यू अभी पूरा नहीं हुआ है, SDRF की टीम मौके पर तैनात है। SDRF UP की ये तस्वीरें आपके सामने। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी जानकारी, इमारत हादसे में अब तक 8 लोगों की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी और जो लोग घायल हैं उनमें से कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। दो तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने हैं। लखनऊ में ये इमारत गिरी, जिसके बाद आनन फानन में आप देखिए यहाँ पर जो लोग फंसे थे उनको निकालकर अस्पताल ले जाया गया, हालांकि 8 लोगों की मौत हो गई है, 28 लोग इस घटना में घायल बताए जा रहे हैं। सीधे रुक करते हैं हमारे सहयोगी मयूर शुक्ला का, जो कि ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मयूर, क्या अपडेट, रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा? बिल्कुल, देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें सबसे पहले हम आपको दिखा दें कि बिल्डिंग के बाहर किस तरीके से 3 जो JCB है वो लगातार चल रही है, मलबे को साफ करने का यहाँ पर पूरी तरीके से काम किया जा रहा है। कल जब लगभग 4 बजे बिल्डिंग गिरी उसके बाद से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ताज़ा आंकड़ों की बात करें तो 28 लोगों को अभी तक बचाया जा सका है, जिनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। तमाम की जो कंडीशन है वो फिलहाल क्रिटिकल बनी हुई है, लेकिन 8 लोगों की जो मौत है वो अभी तक हो चुकी है। और आप देखेंगे काफ़ी बड़ी ये बिल्डिंग है और आगे का लगभग 30% का जो पार्ट है उसको साफ कर लिया गया, मलबे को हटा दिया गया, लेकिन क्योंकि बहुत सावधानी से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे लेकर चलना है, क्योंकि अंदर अभी और भी लोगों के फंसे होने की यहाँ पर आशंका हो सकती है। बिल्डिंग की आप तस्वीर देखिए किस तरीके से, जो ये हरमिलाप टावर है लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में, एक तरीके से आधा पूरी तरीके से धराशायी हो जाता है। और इसके पीछे जो बड़ी वजह बताई जा रही है कि जो पिलर्स थे वो इसके कमज़ोर थे, घटिया सामग्री का इस्तेमाल भी यहाँ पर किया गया था बिल्डिंग को बनाने में। और खास वजह ये है कि इसमें बेसमेंट मौजूद नहीं था, क्योंकि लखनऊ का जो ट्रांसपोर्ट नगर इलाका है यहाँ पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, बड़े बड़े यहाँ पर कॉमर्शियल जो हैं वो प्लॉट्स बने हुए हैं, बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। तो ऐसे में जो ट्रक यहाँ पर कल अंदर गई थी वो पूरी तरीके से धराशायी हो गई, उसके ऊपर गिर गई। और SDRF और NDRF की जो टीम है आप देखिए यहाँ पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। तो फिलहाल उम्मीद ये जताई जा रही है कि अभी फिलहाल और कोई इसके अंदर मौजूद ना हो और किसी तरीके की कैजुअल्टी ना हो। फिलहाल ट्रक की तस्वीर हमारे कैमरा पर्सन दिखाएं, जो ट्रक यहाँ पर कल मौजूद था जब ये बिल्डिंग गिरी है, पूरी तरीके से ये ट्रक धराशायी हो चुका है पूरा। आप देखिए इसके अंदर जो सामग्री मौजूद है, क्योंकि यहाँ पर जो काम था वो मेडिकल इक्विपमेंट्स का और जो तमाम दवाइयों का यहाँ पर स्टोर भी मौजूद था। और ये देखिए यहाँ पर जो दवाइयाँ हैं, जो इंजेक्शन्स हैं वो यहाँ पर फिलहाल पड़े हुए हैं। ये देखिए ये इंजेक्शन है मेट्रोजिल, और ये पूरे जो तख्त जहाँ पर तख्तियाँ हैं इसके अंदर ये दवाइयाँ मौजूद हैं। और ट्रक की हालत एक बार हमारे कैमरा पर्सन आगे से दिखाए कि आप अंदाज़ा लगाइए, जब ट्रक का ये हाल हुआ है, जो कि इस वक्त इस जो यहाँ पर दरवाजे के बाहर मौजूद था जब ये बिल्डिंग गिरी, तो जो लोग अंदर मौजूद थे उनका क्या हुआ होगा। हालांकि जो घायल हैं उनसे हमने पूछताछ की, उन्होंने बताया कि जब वो लोग अंदर मौजूद थे बहुत तेज़ आवाज़ उनको आती है, उसके बाद वो बिल्डिंग से बाहर निकल कर आते हैं और उसके बाद जब देखते हैं कि सब कुछ ठीक है दोबारा वो अंदर चले जाते हैं। उसके 5 मिनट के बाद, यानी कि जो मौत थी वो दोबारा उन लोगों को बिल्डिंग के अंदर बुलाकर लेकर गई, 5 मिनट के बाद ये पूरी बिल्डिंग धराशायी हो जाती है। 8 लोगों की दुखद मौत हुई है यहाँ पे, 28 लोग अपनी ज़िंदगी मौत से फिलहाल इस समय लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन जो यहाँ पर एक्सपर्ट्स हैं उनके मुताबिक इस बिल्डिंग पर बेसमेंट मौजूद नहीं था। ऐसे में जिस बिल्डिंग में बेसमेंट मौजूद नहीं होता है उनका पिलर 4.5 से 5 फीट तक ही खोदा जाता है, लेकिन जिन बिल्डिंग्स में बेसमेंट मौजूद होता है उनका 18 फीट जो गहरा पिलर होता है जिससे उसको मजबूती मिलती है। और बड़ी वजह यह भी है कि ट्रांसपोर्ट नगर के आसपास के इलाके में रोडें बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, जर्जर स्थिति में है, यहाँ पर मिट्टी की रोडें, और अभी भी आप देखिए यहाँ पर पानी भरा हुआ है, हमेशा जलभराव की स्थिति यहाँ पर बनी ही रहती है। लखनऊ में हुए इस हादसे पर जी न्यूज़ की नज़र लगातार अब ग्राउंड से लाइव रिपोर्ट दिखा रहे हैं। 8 लोगों की मौत हो चुकी है, 28
अस्पताल में भर्ती बताए जा रहे हैं और रेस्क्यू ऑपरेशंस में एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम युद्ध स्तर पर डटी हुई है। मलबा हटाने का काम लगातार जारी, अपडेट्स आएंगी, लौटेंगे मयूर आपके पास। Zee News.